हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी मैं लाइव कर रही थी, लाइव करने के बाद मैंने कहा चलो एक वीडियो आपके साथ में शेयर करती हूँ। वैसे तो मैंने अपने लाइव में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ में शेयर करी हैं, रिंकल्स को हम कैसे सही करें, और पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है, एक्ने स्कार्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को मैंने शेयर किया है अभी लाइव में। लेकिन एक रेमेडी है, वो मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ फटाफट। ग्रीन टी ना, ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है। हमारे फेस पे अगर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेज हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ग्रीन टी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इसको, ग्रीन टी को पीना भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और इसको अगर हम मिक्स कर लेते हैं दही के साथ में, फिर तो भाई सोने पे सुहागा, फिर तो बहुत ही बढ़िया काम करता है ये। मैं इसको ना कानों वाले निकाल लेती हूँ, पता चला मेरे कानों पर लग गए तो। तो इस तरीके से हम ग्रीन टी को लेंगे। तो ये जो हमने यूज़ कर रखी है ना, जो पी रखी है ग्रीन टी, वही वाली ले लेंगे। ये इसको ही मैंने फाड़ लिया और इसके अंदर से अब हम निकाल लेंगे अपनी ग्रीन टी। और दूसरा मैंने लिया हुआ है दही, ठीक है। ये दही में, ये दिख रहा है, ये दही में ग्रीन टी को लिया, इन दोनों को आपस में मिक्स कर लिया। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट, ये बादाम ऑयल, ठीक है। बादाम ऑयल बहुत अच्छा है विंटर्स में, हमारी स्किन पर जो ड्राइनेस हो रही है ना आजकल, उसको सही करने में बहुत ही बढ़िया काम करता है ये। तो थोड़ा सा हम इसमें बादाम ऑयल ऐड कर देंगे। ये इतना ही मैंने पहले भी कर लिया था, पर कोई बात नहीं, मेरी स्किन ना ज़्यादा ड्राई है तो फिर चलता है। ठीक है, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें ग्रीन टी का ना एक और पाउच भी है मेरे पास में, हम उसको भी ऐड कर लेंगे, उसको मैं बाद में कर लूँगी। और फिर इस तरह से लेंगे, और अपने फेस पे इसकी मसाज करेंगे। हाँ, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है बादाम के तेल की ना, ये रोगन बादाम शीरीन का ना असली है ये बादाम का तेल। बिल्कुल जैसे फेशियल की मसाज करते हैं ना, इस तरीके से मसाज करेंगे इसकी। ठीक है, अभी इसे वॉश करके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। और वॉश करने के बाद हम क्या अपने फेस के ऊपर लगाएंगे, वॉश करके आते हैं फिर बताती हूँ। ये देखो, मैंने साफ कर लिया स्किन को, फेस वॉश करके आ गई, इतना सॉफ्ट। अभी ना ये अंधेरा सा हो गया बाहर ना, लाइट नहीं आ रही प्रॉपर, इतना साफ हो गया, इतना सॉफ्ट सा हो गया फेस, इतनी ड्राइनेस ही हो रही थी ना सर्दियों में, तो ये है। उसके बाद ना ये मेरी एंटी एजिंग नाइट क्रीम है एश्योर की, तो ये मैं थोड़ी सी जो है उसके बाद में लगा लेती हूँ, ताकि हमारी स्किन सॉफ्ट रहे। अगर पता है स्किन ज़्यादा ड्राई सी होती है ना, तो जैसे हम दही वगैरह, नींबू वगैरह ये सब अपने फेस पे लगाते हैं ना, ये इस जगह पे भी ड्राइनेस हो जाती है ना, यहाँ पर स्पेशली हमें लगाना चाहिए। तो अगर हमारी स्किन ड्राई रहेगी ना, फटी फटी सी रहेगी, और उसके बाद हम ऑरेंज पील पाउडर है, दही है, नींबू है, टमाटर है, ऐसी चीज़ें लगाते हैं ना, तो फेस पे इरिटेशन सी होती है, तो वो फॉर द टाइम बीइंग होती है। तो अगर इरिटेशन हो रही है कुछ है ना, तो उससे पहले जो है ना बादाम का तेल या फिर कोकोनट ऑयल, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अपने फेस पर लगा लो, उसके बाद फिर उसको अप्लाई करो, ताकि अगर वो इरिटेशन वगैरह हो रही है नींबू या टमाटर या दही लगाने से फेस के ऊपर, तो फिर वो इरिटेशन नहीं होगी। तो इस तरीके से बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, ज़रूर ज़रूर आप इसको चेकआउट करिएगा। अभी लाइव में भी मैंने बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज़ बताई हैं, अभी बहुत ही जल्दी जल्दी मैं लाइव आऊँगी, और आप बताना कि लाइव मेकअप करूँ क्या मैं आपके साथ में, आके सामान वामान सब यहाँ पे रख लूँगी, साथ साथ हम मेकअप करते रहेंगे। तो बताना अगर आप कहते हो कि हाँ करो, तो फिर मैं वो वाला भी लाइव सेशन जल्दी करूँगी। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाय, आई लव यू, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आप सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करो। मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ सक्सेस, लव एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। बाय, आई लव यू।